हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल बाय प्रभास पर। दोस्तों, पिछले कुछ समय से दरभंगा को बिहार की दूसरी राजधानी बनाने की डिमांड की जा रही है और इसके लिए अलग अलग तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। और दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी डिमांड ये की गई है कि दरभंगा में विधानसभा की दूसरी शाखा खोली जाए, यानी कि एक अलग से विधानसभा बनाया जाए जिसमें जो सर्दियों के दिनों का विधानसभा है वो दरभंगा में हो, जिससे दरभंगा और उत्तर बिहार को फोकस मिल सके और इस क्षेत्र का विकास हो सके। दोस्तों, इसके लिए कई तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा तर्क यह है कि जो महाराष्ट्र है, एक देश का सबसे बड़ा राज्य और प्रगतिशील राज्य, वहां पे दो विधानसभा है। महाराष्ट्र में सर्दियों के दिनों में विधानसभा नागपुर में होती है, जिससे नागपुर के क्षेत्र का भी विकास हुआ है। और दोस्तों, इसके अलावा कर्नाटक का भी उदाहरण दिया जा रहा है जो कि देश का एक विकसित राज्य है। यहाँ पे बेंगलुरु के अलावा बेलगाम में भी विधानसभा बैठती है, जिस कारण से यहाँ पे दोनों क्षेत्रों का विकास हो पा रहा है। और दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे एक और उदाहरण दिया जा रहा है, यह उदाहरण है हिमाचल का। दोस्तों, हिमाचल में शिमला और धर्मशाला दोनों जगह पे विधानसभा बनी हुई है और दोनों जगह पे विधानसभा बैठती है और यहाँ पे दोनों जगह का विकास हो पा रहा है। दोस्तों, इसी तरीके से बिहार में भी दरभंगा में विधानसभा बनाने की डिमांड हो रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फ्रेक नेवडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।